फिल्मी झरोका के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोका। फिल्मी झरोका के इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं माधुरी दीक्षित के किस्से। बच्चों को खिलाता था, बीवी बच्चों की कमाई नहीं खाता था। उसके पास एक किराए का टूटा फूटा मकान है, मगर ऐसी हवेलियों से बेहतर है जो गिरवी रखी हुई है। खर्चा चलाने के लिए मैंने 500 रुपए की नौकरी करता है, मगर उन लोगों से बेहतर है जिनका रो रो कर्जे में डूबा हुआ है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित की एक्टिंग और लुक्स का तो हर कोई दीवाना था, है और रहेगा। आज भी उनकी दीवानगी वैसी की वैसी ही है और कभी कम नहीं होने वाली। यहाँ तक कि उन पर फिल्म भी बन चुकी है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। पर क्या आप जानते हैं माधुरी दीक्षित किसकी तरह बनना चाहती थी, या यूं कहें कि वो किसकी तरह दिखना और एक्टिंग करना चाहती थी। हमने माधुरी दीक्षित की कुछ फिल्मों की रिसर्च की और देखने पर पाया कि मधुबाला की एक्टिंग और लुक्स एज इट इज हूबहू माधुरी दीक्षित पर कॉपी किए गए हैं। जी हाँ, कई पुरानी फिल्मों को देखने पर पता चलता है कि मधुबाला की एक्टिंग सेम टू सेम माधुरी जैसे है। क्या हेयर्स, क्या मेकअप, क्या लुक्स, या यूं कहें क्या आंखों का अंदाज या फिर एक्टिंग का फील, पूरी की पूरी कॉपी की गई माधुरी दीक्षित द्वारा। और इसी की झलक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हम सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारा यही रूप देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि तुमसे अलग होने का जितना खौफ मुझ में है, कि मुझसे भी कभी किसी ने इतनी ही मोहब्बत की थी। मैं भी यही समझती थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया तुम्हें कैसे बताऊं कि कहाँ चला गया? मैं देखना चाहती थी कि जिस आग में मैं जल रही हूँ उस आग में तुम भी शामिल हो कि नहीं। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारी रोज रोज की मुलाकातों ने कहीं इस आग को ठंडा तो नहीं कर दिया। मेरी विपता सुनोगी तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा, तुम्हारी आंखों से खून के आंसू बह निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। अपनी आग में तुम्हें क्यों जलाऊं? तुमने ऐसा क्या किया? तुमने ऐसा क्या किया? मैं 100 रुपए की शर्त जीतने के लिए तुमने उसकी भावनाओं को काट कूट कर अपना फॉर्मूला साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। तुम अब तक जिंदा हो तो रहना। नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ। क्यों ना तुम्हारे पास? मैं जानती हूँ तुम किसी और के हो गए हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ कैद हूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। पागल, वो अपना गुलदस्ता ना कैंटीन वाला उसने बताया। वो सिंगर? हाँ। लेकिन कुछ दिन पहले तो मैंने उसे पिताजी से मिलते हुए देखा। मैं समझा था तू मुझे छोड़कर चली गई। अब और ज्यादा झूठ ना बोल मोती, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। तो आज हमने जाना फिल्मी झरोखा में कुछ रेप्लिका का किस्सा माधुरी दीक्षित वाला। अगला किस्सा देखने के लिए जरूर से बने रहिए हमारे साथ में। आशा है आपको पसंद आया होगा ये किस्सा। पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए। फिल्मी झरोखा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नए नए वीडियोस को अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को दबाइए और कमेंट कीजिए। और देखते जाइए फिल्मों के रोचक किस्से ओनली ऑन बीवी का टीवी फिल्मी झरोखा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफीज देखना तो आप हमारा बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफी चैनल देख सकते हैं। नमस्कार और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।